बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ई कॉमर्स के हवाले से। ई कॉमर्स क्या है और ये क्यों इसको सीखना ज़रूरी है, एंड वाई वी शुड गोइंग ऑनलाइन, द सिग्निफिकेंसेस ऑफ ई कॉमर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ई कॉमर्स जो है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है और इसकी एक वजह है, इसकी वजह यह है कि दुनिया के तकाजे जो है वो हर वक्त, हर साल नहीं, 10 साल बाद, 15 साल बाद, कभी कभी 2 साल बाद दुनिया के तकाजे बदल जाते हैं, नई नई चीज़ें आ जाती है, नई टेक्नोलॉजीज आ जाती है। लेकिन जो पेंडेमिक गुजरा है, जो कोविड-19 की वजह से, इन्होंने दुनिया को एक नई शेप दी है। इनके तकाजे यकसर जो है वो बदल गए हैं। जो ऑफलाइन जो कारोबार था, आप किसी के साथ भी बैठ जाएं, वो आपको यही कहेगा कि कारोबार पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो इसका मतलब अब ये नहीं है कि लोगों ने पहना छोड़ दिया, लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया। इसकी वजह यह है कि जो कारोबार था वो सारा ऑनलाइन हो चुका है। अब जो लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, अब उनसे पूछे तो उसका कारोबार पेंडेमिक की वजह से 100 से 200% जो है वो बढ़ा है। तो इस वजह से ई कॉमर्स जो है, ये अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ अपने मुल्क में, तो ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाली एक इंडस्ट्री बन चुकी है ई कॉमर्स की। और ये वेल्थ जो है जनरेट कर रहा है मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए। मैं समझता हूँ कि ई कॉमर्स को सीखना, और एक रिपोर्ट के मुताबिक कि 2040 तक 95% जो है वो सेलिंग एंड परचेजिंग वो इंटरनेट के ज़रिए से होगी। सो ई कॉमर्स जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान 46 नंबर पे हैं इस वक्त दुनिया में, जिन्होंने 2020 में $4 मिलियन जो है वो ये रेवेन्यू जनरेट की है मुल्क के लिए। तो हर एक शख्स को मैं समझता हूँ कि इसको सीखना चाहिए जो बिज़नेस में आना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त बिज़नेस जो है वो सारा ऑनलाइन होने जा रहा है। एंड पाकिस्तान हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस 310 मिलियन स्ट्रॉन्ग मार्केट। पाकिस्तान के साथ ये एक अपॉर्चुनिटी है, 310 मिलियन स्ट्रॉन्ग मार्केट का मतलब ये है कि अमेज़ोन जो है ये एक बहुत बड़ी मार्केट है इस वक्त ई कॉमर्स की। और पाकिस्तान ने जो रेवेन्यू जनरेट की है उसमें सबसे जो टॉप ऑनलाइन स्टोर है उसमें एक गुल अहमद शॉप डॉट कॉम है, जिन्होंने $62 मिलियन इकट्ठे किए हैं इसके अलावा खादी डॉट कॉम, जिन्होंने 51 मिलियन जो है वो जनरेट की है, और लाइमलाइट डॉट पी के, इन्होंने $36 मिलियन जो है वो जनरेट की है। इसके अलावा और भी एक मार्केट है बियॉन्ड शॉप ऑन डॉट कॉम, और इन्होंने जनरेट किए $4.9 मिलियन। और ये रेवेन्यू जो है वो पिछले साल से 136% जो है वो बढ़ा है। और इसकी वजह ये है कि पेंडेमिक की वजह से ये 136% जो है वो पेंडेमिक की वजह से बढ़ा है। इसके अलावा ये कुछ स्टैट हैं, स्टैटिस्टिक डेटा है पाकिस्तान की, कि रेवेन्यू इन द ई कॉमर्स मार्केट इज़ प्रोजेक्टेड टू रीच, यानी 2021 में ये पहुंचेगी तकरीबन $5,907 मिलियन की। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि ये एक कितनी बड़ी मार्केट जो है वो बनने जा रही है ई कॉमर्स की। इसके अलावा रेवेन्यू इज़ एक्सपेक्टेड टू शो इन एनुअल ग्रोथ रेट 2021 से 2025 ऑफ 7.55%, रिजल्टिंग इन अ प्रोजेक्टेड मार्केट वॉल्यूम ऑफ $7,903 मिलियन बाय 2025। अब अंदाज़ा, अब पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट के मद में पाकिस्तान जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो तकरीबन 22 से 25 मिलियन डॉलर्स के 22 से 25 बिलियन डॉलर्स के करीब है। और इसके मद में पाकिस्तान ने सिर्फ ई कॉमर्स के से जो है वो $4 बिलियन वो इकट्ठी की है। तो हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम 46 पर है, लेकिन हमारे अंदर ये पोटेंशियल मौजूद हैं कि अगर हमारे यूथ, हमारे नौजवान ई कॉमर्स सीखते हैं,
उसको प्रॉपरली सीखना, इसको अगर करना शुरू करें तो हमारा मुल्क नंबर वन पे भी पहुंच सकता है। और ये ग्राफ है ई कॉमर्स पाकिस्तान में कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें बिकती हैं वो फैशन की हैं। अब देखिए ये ग्राफ जो है वो यानी फैशन से रिलेटेड चीज़ें जो है, प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा इसकी मद में रेवेन्यू जनरेट होती है, ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं। इसके अलावा जो है वो फूड एंड पर्सनल केयर के हवाले से देखिए ये इसका ग्राफ है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये चीज़ें भी इतनी बिकती हैं, टॉयज़ हैं, फर्नीचर्स, यानी हर एक चीज़। इसके बाद आप देखेंगे कि हर एक चीज़ इसका ग्राफ ये ऊपर से ऊपर होगा, हर साल ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो ई कॉमर्स की तरफ। अब वाई ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्यों? इकोनॉमी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ई कॉमर्स हेल्प बिजनेस टू गो ग्लोबल, आप अपने बिजनेस को ग्लोबलाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। योर ऑनलाइन स्टोर विल स्टे ओपन 724/365, यानी पूरा साल आपकी जो शॉप है इसका फ़ायदा ये है कि आपको इसको बंद नहीं करना पड़ता। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो लाजमी बात है आपको अब से ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी दुकान को जो है वो 12 से 14 घंटे आप ओपन रख सकते हैं, लेकिन आपकी जो ऑनलाइन स्टोर है वो 24 घंटे पूरा हफ्ता पूरा साल ओपन रहता है, कोई भी आके विज़िट कर सकता है, चीज़ों को देख सकता है। और इसके मद में मोर जॉब्स क्रिएट होती हैं। ये बढ़ेगा तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब्स आएंगी, वेब डिज़ाइनिंग की जॉब्स आएंगी, प्रोडक्ट हंटिंग की जॉब्स आएगी, बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो ये ई कॉमर्स के मद में क्रिएट हो सकती है। लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी अगर आपकी ऑफलाइन शॉप है तो उस पर आपको किराया देना पड़ता है, चीज़ें इधर उधर रख, यानी बहुत सारी ऑपरेशनल कॉस्ट उसके ऊपर कॉस्ट आ सकती है, लेकिन ई कॉमर्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं। बड़े ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट शॉपिंग, एक शख्स के पास इस वक्त इतना वक्त नहीं होता कि आप वो मार्केट में जाए, वहाँ पर इंतज़ार करें, चीज़ों को देखे, नहीं वो अपने मोबाइल से वेब खोल लेता है, जो भी चीज़ उन्हें पसंद आ जाती है वो डायरेक्टली ऑर्डर कर लेते हैं। और अलाउ कंपैरिजन शॉपिंग, वो चीज़ों को कंपेयर भी कर सकते हैं कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट। इजीली रिसीव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट्स, अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं तो उस पर आपको पता चल जाता है कि कितनी लोगों ने पसंद किया, इसमें कौन सी खामियाँ हैं, कौन सी इसमें खूबियाँ हैं, तो आप उसी वक्त उसी दिन विद इन आवर वो आपको फीडबैक आ जाता है कि ये इस तरह का जो है वो है। तो ये जो मैंने बताया था कि 2040 तक चांसेस है कि 95% परचेजिंग जो है वो इंटरनेट के ज़रिए से होगी।